क्लास 12th मैथ्स में हम लोग नया चैप्टर शुरू करने जा रहे हैं, चैप्टर नंबर 10। ये हमारा कौन सा है, अध्याय 10, जिसका नाम है सदिश बीजगणित वेक्टर अलजेब्रा। तो इसके बारे में सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि क्या इस चैप्टर में हम लोग पढ़ेंगे और ये सदिश क्या होता है। तो अभी तक हम लोग जो भी बीजगणित में देखते थे कि दो राशियों को जब जोड़ा जाता है, 10 और 15 को अगर जोड़ा गया तो 25 होगा और 10 और 15 को गुणा किया गया तो 250 होगा, इस टाइप का बीजगणित हम लोगों ने देखा था। और बीजगणित का मतलब क्या होता है कि जो अज्ञात राशियां होती हैं उनको हम लोग एक्स वाई से प्रदर्शित करते हैं और उसको दिए गए जो है कंडीशन की मदद से हम अज्ञात राशियों को निकालते हैं, वही अलजेब्रा होता है हमारा बीजगणित। तो अभी तक हम लोगों ने जो बीजगणित देखा था वो जो इसमें दिशा का कोई मतलब नहीं था, यानी 10 और 15 जोड़ो तो 25 आता था, लेकिन ये आपका नया चैप्टर है, ये क्या बता रहा है, ये सदिश बीजगणित, यानी इसमें क्या होगा, दिशा की सात दिश, सा का मतलब दिशा के साथ, सा का मतलब सात, दिश का मतलब दिशा, यानी दिशा के साथ, यानी अब दिशा की भी बात करी जाएगी। तो जैसे एक सिंपल सा एग्जाम्पल आपको बताते हैं कि मान लेते हैं ये कोई वस्तु है, ठीक है, 10 और ये जो है 10 किलो आलू और 15 किलो आलू था दो लोगों के पास, दोनों ने मिला दिया तो ये कितना हो गया, 25 किलोग्राम दोनों को मिला के। अब ये कोई ब्लॉक रखा है आपका जमीन पे, एक आदमी इसमें लगा रहा है 15 न्यूटन का बल, इस दिशा में लगा रहा है, ठीक है, और एक आदमी इस दिशा में लगा रहा है 10 न्यूटन का बल, आप समझ रहे हैं, या इसको ऐसे बोलें कि एक आदमी जो है इसको इस दिशा में 15 न्यूटन के बल से ढकेल रहा है और एक आदमी इस दिशा में इसको 15 न्यूटन के बल से ढकेल रहा है। तो इस स्थिति में आपको एकदम सा क्लियर है कि जितने बल से ये इधर ढकेल रहा है उतने बल से ये इधर ढकेल रहा है, तो अगर ये जो ब्लॉक है आपका अगर दबे ना तो ये ब्लॉक कहीं पे जाएगा नहीं, ब्लॉक कहीं पे जाएगा नहीं, क्योंकि 15 न्यूटन इधर से 15 न्यूटन इधर से। तो अगर इस पर पूछा जाए आपको, मतलब बिना कुछ सदिश अदिश जाने आपको पूछा जाए कि इस पर कुल बल कितना लग रहा है, कुल बल, तो आप बड़े आराम से बोल सकते हैं कि कुल बल इस पे जीरो है, क्योंकि ये वस्तु जिस पे बल लगा है दोनों मिला के ये कहीं आ जा नहीं रहा है, ये ब्लॉक वहीं पे वहीं है, इसका मतलब इस पे ऐसा लगता है कि जैसे कोई बल नहीं लगा है। तो अब यहाँ पे देखिए क्या हुआ, हमारा 15 न्यूटन का बल और 15 न्यूटन का बल दोनों को जोड़े तो हमारा क्या आ गया, जीरो आ रहा है। लेकिन अगर 15 किलोग्राम आपका आलू हो और 15 किलोग्राम आलू हो तो आपको जो जोड़ेंगे तो सीधा सीधा आपका क्या हो जाएगा, 30 किलोग्राम आलू हो जाएगा। तो सदिश बीजगणित हमारा यहीं से डेवलप होता है कि जिन भी चीजों में दिशा का महत्व होता है, डायरेक्शन मायने रखता है, उन चीजों को आप सीधा सीधा ना जोड़ सकते हैं, ना घटा सकते हैं, ना गुणा कर सकते हैं, ना भाग कर सकते हैं, उन सबको हमको अलग तरीके से डील करना होगा। और यही हमारा पूरा क्या है, चैप्टर आपका वेक्टर, पूरा चैप्टर यही हमारा है कि ऐसी राशियां जिनमें दिशा भी होती है उनको कैसे जोड़ा घटाया जाए। अच्छा, आप ये देखते हैं कि 15 न्यूटन अगर दोनों एक ही इसी दिशा में ढकेलें, 15 न्यूटन तो ये क्या हो जाएगा, ये 30 न्यूटन का बल लगेगा। तो कहने का मतलब क्या हुआ कि जिन राशियों में दिशा होती है उनको ना तो उस तरीके से आप जोड़ सकते हैं ना घटा सकते हैं, उनके लिए हमको क्या करना पड़ेगा, कुछ और तरीका अपनाना पड़ेगा, ठीक है। तो वही हम लोग इस चैप्टर में पढ़ेंगे। तो सदिश राशियां किसको बोला जाता है, जिन राशियों में परिमाण तो हो ही, परिमाण का मतलब कि उसकी मात्रा कितनी है, जैसे यहाँ पे 15 न्यूटन बल है तो बल का परिमाण कितना है, 15 न्यूटन, और यह हमारा क्या बता रहा है, दिशा बता रहा है। तो जिन राशियों में परिमाण यानी मात्रा के साथ साथ दिशा भी हो उनको हम लोग क्या कहते हैं, सदिश राशियां कहते हैं। तो आपका फिजिक्स में जो है इसका भी बहुत ज़्यादा एप्लीकेशन होता है, फिजिक्स में आपको बहुत सारा देखना पड़ता है सदिश और अदिश। तो हम लोग पहले थोड़ा सा देख लेते हैं कि जो दो चार राशियां जो अदिश हैं और दो चार राशियां जो सदिश हैं, ये हो गया हमारा अदिश राशि एक कालम, और एक कालम हम लोग बनाएंगे जिसमें
सदिश राशियां रखेंगे। सदिश राशियां का मतलब कि बिना दिशा के जो है, बिना दिशा के उनकी बात आप नहीं कर पाएंगे। तो अदिश राशियां क्या होती हैं, जिनमें केवल परिमाण रहेगा यानी उनकी मात्रा होगी। जैसे 10 किलो आलू है, ठीक है। तो अब इसमें जैसे बोला जाए आपका कि जो द्रव्यमान होता है, द्रव्यमान आप जैसे बोलते हैं 10 किलोग्राम, 5 किलोग्राम, ये सब क्या है, इसके इसकी दिशा नहीं होती है। तो 10 हमारा क्या है, आंकिक मान है, और किलोग्राम हमारा क्या है, द्रव्यमान का मात्रक है। तो अदिश राशियों में हमारा आंकिक मान होगा और उस पदार्थ का मात्रक होगा, या आप इसको बोल दें 150 ग्राम। तो यहाँ पे हमारा क्या होगा, मात्रक बदल गया, लेकिन एक आंकिक मान होगा, एक मात्रक होगा, द्रव्यमान हो गया। अब इसमें कोई भी दिशा नहीं होगी, 10 किलोग्राम 5 किलोग्राम को जोड़ेंगे आप तो सीधा सीधा 15 किलोग्राम आएगा, द्रव्यमान हो गया। और क्या हो सकता है आपका, तापमान हो गया। तापमान जैसे बोलते हैं कि 40 डिग्री सेल्सियस, तो 40 डिग्री सेल्सियस में 20 डिग्री सेल्सियस जोड़ेंगे तो सीधा 60 डिग्री सेल्सियस होगा, उसमें भी कोई दिक्कत नहीं है। कार्य जो होता है हमारा, कार्य ये भी अदिश होता है। लंबाई हमारा जो होता है ये भी अदिश होता है। समय भी हमारा अदिश होता है, दूरी भी हमारा अदिश होता है। जब दूरी बोला जाएगा तो दूरी में केवल इतना ही बोला जाएगा, जैसे कि 5 किलोमीटर की दूरी, या 100 सेंटीमीटर की दूरी, या 4 किलोमीटर की दूरी। समय जैसे बोला जाएगा 10 मिनट, या 10 सेकंड, या 1 घंटे, ये सब ये भी क्या है, अदिश है। लंबाई जैसे बोला जाएगा, लंबाई जैसे बोलें या 5 सेंटीमीटर या 10 सेंटीमीटर, ये सब कार्य भी हमारा क्या है, अदिश है। तो अदिश और सदिश की जहाँ पे बात आए, तो आप केवल ये देखिए कि क्या इस राशि को रिप्रेजेंट करने के लिए दिशा जरूरी है कि नहीं। अब सदिश में हम लोग देखते हैं, सदिश में जैसे आपका, जब आप बोलते हैं कि वेग, किसी भी वस्तु का वेग, तो वेग आप बोलते हैं क्या, जैसे मान बोलते हैं कि 10 मीटर प्रति सेकंड। अब आपने ये क्या हो गया, 10 हमारा क्या हो गया, आंकिक मान हो गया, मीटर प्रति सेकंड तो वेग का मात्रक होगा। लेकिन अब आपको ये भी बताना पड़ेगा कि हमारा वेग किस दिशा में है, 10 मीटर प्रति सेकंड से वो वस्तु किस दिशा में जा रही है। तो मान लेते हैं ये ऐसे बोल दें कि उत्तर की ओर, यानी जो वस्तु है वो हमारी किधर जा रही है, उत्तर की ओर जा रही है। तो इसमें क्या होनी चाहिए, बताने के लिए, पूरी बात बताने के लिए आपको दिशा भी बतानी पड़ेगी। यानी वेग हमारी कैसी राशि हो गई, सदिश हो गई, यानी इसमें दिशा भी होता है। अच्छा, अगला होता है जैसे विस्थापन। विस्थापन हमारा परिभाषित किया जाता है, प्रारंभिक बिंदु और अंतिम बिंदु को, बीच को मिलाने वाली रेखा ही विस्थापन होती है। और विस्थापन भी हमें बताना पड़ता है कि किस दिशा में हुआ है। अच्छा, आप जब फिजिक्स पढ़ते हैं 11th का, तो विस्थापन और चली गई दूरी में अंतर समझ में आता है। तो जैसे विस्थापन बोलें कि जैसे 10 मीटर साउथ की ओर, तो इसमें भी आपको दिशा बताना पड़ेगा कि इसके साथ, किसी भी लाइन के साथ इतना कोण बनाते हुए आपको दिशा जरूर बतानी पड़ेगी, तभी विस्थापन पूरी बात क्लियर होगी, ठीक है। त्वरण, त्वरण हमारा क्या होता है, वेग परिवर्तन बटा समय, वेग परिवर्तन बटा समय। तो त्वरण भी आपको क्या होना चाहिए, यह बताना पड़ेगा कि त्वरण की दिशा क्या है, और त्वरण की दिशा क्या होगी, वेग परिवर्तन की दिशा। जैसे इसका मात्रक क्या होता है, मीटर पर सेकंड स्क्वायर, तो 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, और ऐसे मान लें कि एक्स अक्ष की ओर, यानी दिशा आपको बतानी ही बतानी पड़ेगी। बिना दिशा के आप जो है त्वरण नहीं बता सकते, पूरी बात नहीं कंप्लीट होगी जब तक दिशा उसकी ना बताई जाए। तो सदिश और अदिश राशियों का ये हम लोग थोड़ा सा क्या कर रहे हैं, बेसिक जो है आइडिया ले रहे हैं कि अदिश राशियां क्या होती हैं, जिनमें परिमाण बता, आंकिक मान बता दिया आपने, उसका मात्रक बता दिया, बात खत्म। लेकिन सदिश राशियों को आपको ये भी बताना पड़ेगा, अब जैसे बल है,
बल जब तक आपको ये ना पता हो कि किस दिशा में हमको, कोई आपको बोले कि ये सामान इधर से उधर करवाना है आपको, तो ये तो बताना ही पड़ेगा कि किस दिशा में हमको करना है, तो आप उसी हिसाब से उस दिशा में बल लगाएंगे। बिना उसके जो है, कोई बोले कि आप ये मेरा सामान ऊपर उठवा दो और आप उसको नीचे दबा रहे हैं, तो बल तब भी आप लगा रहे हैं जब उसको नीचे दबा रहे हैं, लेकिन अंतर क्या हो रहा है वहां पे, आप बल गलत दिशा में लगा रहे हैं, जिस दिशा में वो चाहता है उस दिशा में नहीं लगा रहे हैं। तो बल भी जैसे हमको क्या बताना पड़ेगा, जैसे 10 न्यूटन साउथ की ओर, या ऐसे भी दिशा बताने के लिए हम लोग एक्स अक्ष वाई अक्ष मान लेते हैं, फिर उसके साथ कोण बनाते हैं, लेकिन ये हमने थोड़ा दिशा बताने की कोशिश की है कि बिना दिशा के जो है ये नहीं हो पाएगा। तो वेग, विस्थापन, त्वरण, बल, बहुत सारी चीज़ें आप भौतिक विज्ञान में पढ़ेंगे कि जिनको जो है बिना दिशा के नहीं बताया जा सकता, और वही हमारी क्या होती हैं, सदिश राशियाँ। और सदिश राशियों के साथ ये होता है कि सीधा सीधा ये अदिश बीजगणित का यूज नहीं कर सकते, यानी 10 में 15 जोड़ेंगे तो 25 नहीं आएगा, आ भी सकता है 25, नहीं भी आ सकता है, लेकिन इसमें 10 और 15 जोड़ेंगे या इसमें तो 25 आएगा। तो ये पूरा का पूरा ये चैप्टर हम लोग इसी के बारे में देखेंगे कि सदिश राशियों को कैसे जोड़ा जाता है, कैसे घटाया जाता है, कैसे गुणा किया जाता है, कैसे डील करते हैं हम लोग, ठीक है। तो ये हमारा हो गया इंट्रोडक्शन हो गया। अब सदिश राशियों को डील करने के लिए एक पॉइंट हम लोग और देखते हैं कि हम लोग क्या करते हैं। तो ये हेडिंग आपका जो एनसीईआरटी बुक में, उसी के अकॉर्डिंग डाल दे रहे हैं, कुछ आधारभूत संकल्पनाएं। सम बेसिक कॉन्सेप्ट्स। तो अब हमारा ये है कि अब हम लोग जो सदिश राशियों को कैसे हम लोग दिखाएं कि सदिश राशियां जो है कैसे दिखाया जाए। तो इसमें तो हम लोग द्रव्यमान सीधा सीधा 10 किलोग्राम लिख देते हैं तो ये हो जाता है। अब हम लोग क्या करते हैं, हम लोग जानते हैं कि ये रेखा हो गया, ये लाइन, ये लाइन जो है दोनों डायरेक्शन में जो है इन्फाइनाइट तक जा रहा है, ये लाइन, ये रेखा, ठीक है। अच्छा, अब हम लोग केवल एक ही एक लाइन में केवल मान लें कि एक किरण, किरण हम लोग जो पढ़ते हैं ये केवल कहीं किसी बिंदु से शुरू हो गया इन्फाइनाइट तक जाता है, ये किरण हो गया और ये हमारा रेखा हो गया, ठीक है। अब इस पे हम लोग छोटा सा पार्ट लें, यानी इस टाइप का अगर हम लोग लें ये कि किसी बिंदु से शुरू हो के और ये किसी बिंदु तक ही है केवल, यानी ये बिंदु हम लोग मान लेते हैं ए है और ये बिंदु हमारा क्या है बी है, ठीक है। तो ये हमारा क्या बता रहा है कि इसकी दिशा क्या है, ये जो है ए से बी की ओर, ये दिशा बता रही है, इसकी दिशा क्या है ए से बी की ओर, दिशा ए से बी की ओर इसकी दिशा बता रही है, और इसकी जो लंबाई है, इसकी जो लंबाई है, लंबाई क्या है, ये परिमाण बता रहा है कि जिस चीज को ये निरूपित किया गया है उसका परिमाण ये बता रहा है लंबाई। तो इस तरीके से हम लोग सदिश राशियों का निरूपण कर सकते हैं, और ये हमारा ए क्या हो जाता है, ये प्रारंभिक बिंदु हो जाता है, और ये बी हमारा क्या हो जाता है, अंतिम बिंदु। यानी हम लोग किसी भी वेक्टर को जब निरूपित करेंगे तो वेक्टर को निरूपित करने के लिए, चलिए अच्छा अगले हम लोग जो है देखते हैं, हम लोग लिख देते हैं कि हेडिंग हमारा हो जाएगा सदिश को निरूपित करने की विधि, यानी सदिश राशियों को हम लोग जब दिशा के साथ है तो डायरेक्ट जब जोड़ घटा नहीं पाएंगे तो हम लोगों को क्या करना पड़ेगा, कुछ ऐसा निरूपित करना पड़ेगा कि उसमें हमारा क्या आ जाए, दिशा भी आ जाए। तो सदिश को निरूपित करने की विधि, ठीक है। अब जैसे मान लेते हैं ये हमारा ईस्ट हो गया, ये हमारा वेस्ट हो गया, ये नॉर्थ,
ये साउथ। तो अब हमको जैसे मान लिया जाए कि प्रदर्शित करना है कि विस्थापन हमारा है 10 किलोमीटर ईस्ट डायरेक्शन में। ये हमारा क्या है, ये पूरा सदिश राशि है हमारी, ये हमारी सदिश राशि है, इसको निरूपित करना है। तो हम लोग क्या करेंगे, प्रारंभिक बिंदु लेंगे, ठीक है, और विस्थापन क्या है 10 किलोमीटर ईस्ट, तो एक हम लोग क्या बनाएंगे, एक लाइन बनाएंगे जिसकी दिशा क्या होगी, ये प्रारंभिक बिंदु हो गया, इसको हम लोग ओ मान लें, और ये हमारी क्या हो गई, दिशा हो गई जो ईस्ट डायरेक्शन में है, और इसको हम लोग मान लें ए, ए हमारा क्या हो गया, अंतिम बिंदु हो गया। तो पहली बात, ये जो तीर की दिशा क्या बता रही है, तीर जो है हमारा ये दिशा बता रहा है, तीर हमारा क्या बता रहा है, दिशा बता रहा है, ठीक है। और 10 किलोमीटर है, तो 10 किलोमीटर जो है इसकी लंबाई हम लोग क्या करेंगे, इसका परिमाण बताएगा। तो हम लोग मान लेते हैं कि हम लोग 1 सेंटीमीटर बराबर मान लें 1 किलोमीटर, क्योंकि 10 किलोमीटर लंबी लाइन खींचना तो संभव है नहीं आपका पेपर में, तो आप स्केल मान लेंगे कि हम 1 सेंटीमीटर जब खींचें तो आपको क्या मानना पड़ेगा, 1 किलोमीटर, ये स्केल हम लोग मान लिए। तो 10 सेंटीमीटर हमने लंबी, 10 सेंटीमीटर लंबी लाइन खींच दी जिसकी दिशा ओ से ए की ओर है, ये 10 सेंटीमीटर पूरी लंबाई कितनी है, 10 सेंटीमीटर, ठीक है, और ये स्केल हमारा हो गया, ये स्केल। तो अब ये हमारा पूरा क्या हो गया, ये सदिश राशि हमने निरूपित कर दिया। ये सदिश राशि क्या है, विस्थापन है जिसकी दिशा क्या है, ईस्ट डायरेक्शन में है, और इसका परिमाण कितना है यानी मात्रा कितनी है, स्केल के हिसाब से 10 सेंटीमीटर लंबी है, और 1 सेंटीमीटर बराबर क्या विस्थापन बता रहा है, 1 किलोमीटर। तो ये हमारा क्या हो गया, 10 किलोमीटर विस्थापन उत्तर दिशा की ओर। ये पूरा हमारा क्या हो जाएगा, सदिश को निरूपित करने की विधि। किसी भी सदिश को निरूपित करना हो, अब बल हो या कुछ भी हो, तो बल जैसे मान ले लिखा जाए कि 10 न्यूटन बल नॉर्थ डायरेक्शन में। अच्छा, अभी सिंपल सिंपल डायरेक्शन ले रहे हैं, ईस्ट नॉर्थ कैसा भी डायरेक्शन हो सकता है, 10 न्यूटन बल नॉर्थ डायरेक्शन में। ये हमारा क्या हो गया, पूरा सदिश हो गया। अब इसको हमको रिप्रेजेंट करना है, तो नॉर्थ डायरेक्शन में यानी किसी भी पॉइंट से हम लोग क्या करेंगे, नॉर्थ डायरेक्शन में एक एरो बनाएंगे, और उसके बाद में ये क्या होगा, चलिए मान लेते हैं ये 50 कर लेते हैं क्योंकि 10 यहां पे था। उसके बाद हम लोग क्या करते हैं, क्या करें, ये मान लेते हैं हमारा ओ हो गया, ये हमारा हो गया बी, ठीक है, और स्केल हम लोग कुछ मान लेंगे, हम लोग मान लेते हैं कि अगर 1 सेंटीमीटर अगर हम खींचे तो उसको कितना माने आप, 10 न्यूटन, 1 सेंटीमीटर लंबाई अगर है तो 10 न्यूटन, तो इसके लिए हमको कितना खींचना पड़ेगा, ये 5 सेंटीमीटर लेंथ खींच लें, 5 सेंटीमीटर, और ये स्केल के हिसाब से हमारा ये टोटल कितना हो जाएगा, 1 सेंटीमीटर अगर 10 न्यूटन बल को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो 5 सेंटीमीटर हमारा 50 न्यूटन बल को रिप्रेजेंट करेगा, और दिशा हमारी क्या होगी, ओ से बी की ओर जो नॉर्थ डायरेक्शन में है। तो ये हमारा क्या हो गया, सदिश राशियों को निरूपित करने का तरीका। सदिश राशियों को हम लोग ऐसे ही रिप्रेजेंट करेंगे कि दिशा बताने के लिए हम लोग क्या करेंगे, ये एरो बताएगा दिशा, और जो लंबाई होगी, जो इसकी लंबाई होगी वो हमारा क्या बताएगा, इसका परिमाण। तो अब इस हिसाब से हम लोग क्या करेंगे, सदिश राशियों को डील करेंगे। तो सदिश राशियों की डिफिनीशन अगर हम लोग यहाँ पे लिख लें, सदिश राशियाँ किनको कहा जाता है, यहीं पे हम लोग अगर लिख लें, सदिश राशियाँ जिनमें, जिन राशियों में परिमाण के साथ, जिन राशियों में परिमाण के साथ दिशा भी होती है, दिशा भी होती है, उनको क्या कहते हैं हम लोग, वेक्टर या सदिश, की दिशा भी बतानी पड़ी, बिना दिशा के उसका कोई मतलब ना रह जाए, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, सदिश राशियां बोलते हैं, ठीक है। और इसको रिप्रेजेंट हम लोग करते हैं इस तरीके से, और इसको लिखते कैसे हैं,
प्रारंभिक बिंदु को पहले लिखते हैं और अंतिम बिंदु को बाद में, और उसी के ऊपर तीर लगा देते हैं। तो ये OA पूरा हमारा क्या हो गया, जो OA रिप्रेजेंट कर रहा है ये पूरा सदिश राशि है, जिसमें OA जो लेंथ है वो उसका परिमाण बता रहा है और दिशा क्या बता रहा है, O से A की ओर। दिशा हमारा क्या है, O से A की ओर। और OA वेक्टर, ये देखिए OA, इसका मॉडुलस हम लगा देते हैं तो ये क्या बताता है, ये उस वेक्टर का परिमाण बताता है, परिमाण की उसकी मात्रा कितनी है। तो किसी भी वेक्टर को हम लोग ऐसे ही अब रिप्रेजेंट करेंगे कि प्रारंभिक बिंदु हो गया अंतिम बिंदु, प्रारंभिक बिंदु से अंतिम बिंदु की ओर दिशा, और जो OA लेंथ होगा उसको OA वेक्टर का मॉडुलस, उसको क्या बोलते हैं, परिमाण बोलते हैं हम लोग, ठीक है। या ऐसे हम लोग कभी वेक्टर ए, वेक्टर बी, वेक्टर सी ऐसे भी निरूपित करेंगे, लेकिन इसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो ये हमारा क्या हो गया, वेक्टर को निरूपित करने की विधि और वेक्टर होता क्या है। तो एक बार हम लोग फिर से रिवाइज कर लें एक मिनट में, कि कुछ राशियां होती हैं जिनको आप सीधे अगर जोड़ें, जैसे हम लोग जोड़ते हैं अभी तक जोड़ते आए हैं सदिश तरीके अदिश तरीके से, तो ऐसा नहीं होता कि अगर 15 न्यूटन बल से कोई इधर ढकेल रहा है, 15 न्यूटन बल से इधर ढकेल रहा है, तो ये वस्तु जो है कहीं पे जाएगी ही नहीं। अगर कोई बाहर दूर से देख रहा होगा तो उसको लगेगा कि इस पर कुल बल क्या है, शून्य है, और सच में इस पर 15 न्यूटन बल ये लगा रहा है, 15 न्यूटन बल ये, लेकिन कुल बल उस पर ऐसा फील हो रहा है कि कुछ भी नहीं है। लेकिन आप अदिश राशियां जिनमें दिशा नहीं होती, उनमें 15 और 15 जोड़ेंगे तो 30 आएगा, लेकिन यहाँ पे 15 और 15 को जोड़ रहे हैं तो 0 आ रहा है। तो इसका मतलब कि जिन चीज़ों में दिशा भी होती है आप उनको ऐसे नहीं जोड़ घटा सकते, गुणा भाग कर सकते जैसे पहले करते आए हैं। इसीलिए इन राशियों को डील करने का हमारा तरीका क्या होगा, अलग तरीका होगा, और उसी को हमारा पूरा क्या होगा चैप्टर, सदिश बीजगणित। तो सदिश राशियां क्या होती हैं, जिनमें परिमाण तो होगा ही, और परिमाण का मतलब क्या होगा, आंकिक मान होता है और मात्रक होता है। जैसे बोला जाए 10 किलोग्राम, तो 10 क्या हो गया आंकिक मान, और किलोग्राम उसका मात्रक होगा। तो ये तो होगा ही जो अदिश राशियों में होगा कि आंकिक मान होगा और मात्रक होगा, साथ साथ दिशा भी बतानी पड़ेगी, बिना दिशा के उसका कोई मतलब नहीं रह जाएगा। जैसे आपको कोई बोले कि इस चीज़ पे जो है बल लगा के थोड़ा इधर से उधर करवा दो, तो जब तक आपको ये ना पता हो कि हमको किस दिशा में बल लगाना है, तब तक उसका कोई मतलब नहीं रह जाता। तो कुछ सदिश राशियां और कुछ अदिश राशियां हमने लिखा है। सदिश राशियां जैसे वेग कि 10 मीटर प्रति सेकंड की ओर से जा रहा है, लेकिन आपको दिशा भी बतानी पड़ेगी कि उत्तर जा रहा है, दक्षिण जा रहा है, कि या उत्तर से कुछ कोण बनाते हुए जा रहा है, कि या किस दिशा में जा रहा है। विस्थापन भी होता क्या है, विस्थापन हम लोग परिभाषित करते हैं प्रारंभिक बिंदु और अंतिम बिंदु के बीच की दूरी, और प्रारंभिक बिंदु से अंतिम बिंदु की ओर दिशा होती है, तो इसमें भी दिशा बताना पड़ेगा। त्वरण होता है, इसमें भी दिशा बताना पड़ेगा। बल भी होता है, इसमें भी दिशा बताना पड़ेगा। तो अब इन सब राशियों को हम लोग इस चैप्टर में डील करेंगे। अब इनको प्रदर्शित कैसे किया जाए, प्रदर्शित करने के लिए क्या करते हैं हम लोग, ये तीर का डायरेक्शन दिखाते हैं, ये हमारा क्या बताएगा, दिशा बताएगा, दिशा ए से बी की ओर, और ये जो लंबाई होगा, लंबाई हम लोग परिमाण बताएंगे, जितनी लंबाई होगी वो परिमाण होगा। जैसे आपका कि 10 किलोमीटर विस्थापन ईस्ट डायरेक्शन में दिखाना है, तो ईस्ट डायरेक्शन अगर ये मानते हैं तो ये हमारा क्या होना चाहिए, लाइन हमारा क्या होना चाहिए, इसका परिमाण बताएगा। यानी एक अब स्केल में हम 10 किलोमीटर यहाँ पे कॉपी में तो ड्रा नहीं कर सकते, इसलिए हम लोग स्केल मान लेते हैं कि अगर हम 1 सेंटीमीटर ड्रा किए हों, कुछ भी आप स्केल मान सकते हैं। यहाँ पे हमने मान लिया कि 1 सेंटीमीटर आप ड्रा करें तो कितना होगा, उसको माना जाएगा 1 किलोमीटर। तो 10 किलोमीटर लंबा लाइन बनाने के लिए हमको कितना, 10 सेंटीमीटर लंबी लाइन हम लोगों ने ड्रा कर दिया। और दिशा हमारा क्या हो गया, ओ से ओ की ओर, ये प्रारंभिक बिंदु हो गया, ये अंतिम बिंदु। और इसको लिखते कैसे हैं, ओ ए के ऊपर तीर लगा देते हैं, इसका मतलब क्या होता है कि इसकी दिशा ओ से ए की ओर है। और इस पर जब मार लगा देते हैं ओ ए के ऊपर, तो ये हमारा क्या बता देता है, परिमाण बताता है। यानी परिमाण यहाँ पे ओ ए हमारा क्या बताएगा, केवल और केवल 10 किलोमीटर, और दिशा हमारा क्या बताता है, OA। तो इस तरीके से हम लोग जो है वेक्टर को निरूपित करेंगे, और इसके आगे हम लोग देखेंगे कि कैसे जोड़ते घटाते हैं वेक्टर को।